एलओपी राहुल गांधी लगातार अग्निवीर योजना को बंद कराने का मुद्दा उठा रहे हैं। अब राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में शहीद हुए लुधियाना के अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को मुआवजा न मिलने का भी दावा किया है। राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर के साथ एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने लिखा कि सत्य की रक्षा हर धर्म का आधार है। नमस्कार, संसद में अपने भाषण में मैंने कहा सत्य की रक्षा हर धर्म का फाउंडेशन है। जवाब में राजनाथ सिंह जी ने शिव जी के फोटो के सामने पूरे हिंदुस्तान को, देश की सेना को और अग्निवीरों को कॉम्पनसेशन के बारे में झूठ बोला। मैंने अपने भाषण में कहा था मेरी बात मत सुनिए, उनकी बात भी मत सुनिए, अग्निवीर के परिवारों की बात सुनिए। कोई सहूलत नहीं मिली ना सेंट्रल गवर्नमेंट, पंजाब सरकार ने दी हमें, चलो जो भी है बनता हक, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया हमें। बोलते आएंगे पैसे, इलेक्शन आ रहा है, वो आ रहा है, ना जाने कब आएगा। शहीद अजय सिंह जी के पिता ने मेरे और रक्षा मंत्री के भाषण सुनने के बाद ये बयान दिया है। युवराज ने कल बयान दिया कि 1 करोड़ रुपए का शहीद परिवार को भेज चुके हैं, सानू कोई मैसेज ना कोई पैसा आया हाल तक। राहुल गांधी बहुत आवाज उठा रहे हैं, सदन में बैठ हंगामा कर रहे हैं भी शहीदों के परिवारों को इन्हें बनती जो सहूलत मिलनी चाहिए, अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए, रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रक्षा मंत्री जी ने संसद में शहीद अजय सिंह जी के परिवार से, अग्निवीरों से, सेना से और देश के युवाओं से झूठ बोला है। रक्षा मंत्री जी, आप इन सब से माफी मांगिए। डरो मत, डराओ मत, सत्यमेव जयते। इस वीडियो में राहुल गांधी ये कहते हैं कि शहीद अग्निवीर अजय सिंह के परिवार को कोई मदद नहीं दी गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुआवजे को लेकर संसद में झूठ बोला और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। इस वीडियो में राहुल गांधी शहीद के परिवार से भी मिले और उनका वीडियो भी अपलोड किया जिसमें वो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिली और अग्निवीर योजना बंद होनी चाहिए। खैर, परिवार का जो वीडियो पोर्शन अपलोड किया गया है उसमें काफ़ी कट्स हैं, ये देखकर ही समझ में आता है कि पूरा वीडियो राहुल गांधी ने अपलोड नहीं किया है। राहुल गांधी ने जब ये दावा किया कि शहीद अजय सिंह के बलिदान के बाद उनके परिवार को कोई मुआवजा नहीं मिला तो भारतीय सेना को खुद सामने आकर सच बताना पड़ा। एडीजी पीआई इंडियन आर्मी के ऑफिशियल अकाउंट से बताया गया कि सोशल मीडिया में कुछ ऐसे पोस्ट किए जा रहे हैं जिनमें ये दावा किया जा रहा है कि अग्निवीर अजय कुमार को ऑन ड्यूटी जान गंवाने के बाद परिवार को कंपनसेशन का भुगतान नहीं किया गया। हम ये बताना चाहते हैं कि शहीद को ससम्मान अंतिम विदाई दी गई और शहीद के परिवार को 98.39 लाख रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा अग्निवीर योजना के तहत 67 लाख रुपए का भुगतान भी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद किया जाएगा, जो टोटल अमाउंट 1.65 करोड़ रुपए का होता है। राहुल गांधी के दावे का इंडियन आर्मी ने खंडन कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। लेकिन इसके बाद राहुल गांधी भी बुरा फंस गए। अब लोग राहुल गांधी को झूठ फैलाने वाला प्रोपेगेंडिस्ट कह रहे हैं और सेना से माफ़ी मांगने के अलावा भारतीय सेना से राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग उठा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि राजनाथ सिंह ने शिवजी के सामने मुआवजे को लेकर झूठ बोला, लेकिन इस वीडियो में खुद राहुल गांधी शिवजी की तस्वीर के सामने ऐसे दावे कर रहे हैं जिसका खंडन इंडियन आर्मी ने खुद किया है। लेकिन आर्मी द्वारा खंडन किए जाने के बाद भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी के इस वीडियो को शेयर करते जा रहे हैं। बता दें कि शहीद अजय सिंह लुधियाना के रामगढ़ सरदारा गांव के रहने वाले थे। 12वीं पास होते ही उन्होंने फौज में भर्ती की तैयारी शुरू कर दी थी। फरवरी 2022 में अग्निवीर स्कीम के तहत वे आर्मी में भर्ती हुए, लेकिन 23 जनवरी 2024 को जम्मू कश्मीर के राजौरी में एक लैंडमाइन विस्फोट की चपेट में आकर शहीद हो गए। अजय सिंह अपने पिता के इकलौते बेटे थे। 6 बहनों के बाद अजय सिंह का परिवार में जन्म हुआ था। शहीद के पिता ने भी राहुल गांधी का वीडियो सामने आने के बाद जी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें सेना की तरफ से 1 करोड़ रुपए मिले हैं। चुके हैं अब तक 1 करोड़ के लगभग आ गया। 1 करोड़ के लगभग आ गया है। हाँ जी, हाँ जी जी। सेना की तरफ से कहा गया कि आपको कुल राशि लगभग 1.65 करोड़ रुपए आपको मिलेंगे। 1.65 करोड़। हाँ जी जी। तो आपने कहा कि अभी आपको 1 करोड़ रुपए मिल गए। नहीं, 1 करोड़ मिल गया, बाकी रहेगा बकाया जो भी है। जी जी। पैसे की कोई कमी नहीं। हम लोग ये सोचते हैं कि बेटे को इज्जत दर्जा मिलना चाहिए। जी जी। क्योंकि देखिए, जो सेना ने कहा है, चरणजीत जी, जो सेना ने कहा है
सेना के मुताबिक कुल देय राशि में से अग्निवीर अजय के परिवार वालों को पहले ही 98,39,000 रुपए का भुगतान किया जा चुका है और अग्निवीर योजना के प्रावधानों के अनुसार लागू लगभग 67,00,000 रुपए की अनुग्रह राशि और अन्य लाभ पुलिस सत्यापन यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन के तुरंत बाद अंतिम खाता निपटान पर भुगतान किए जाएंगे और कुल राशि होगी 1,65,00,000 रुपए। अब ऐसे में दो सवाल उठते हैं, क्या सेना पर किसी पार्टी के बड़े नेता द्वारा ऐसे आरोप लगाए जाने चाहिए और मुआवजे को लेकर झूठ कौन बोल रहा है, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह या फिर इंडियन आर्मी? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए शब्दसाची को फॉलो करते रहें। धन्यवाद।